तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइड्रोलिक जैक के बारे में। कुछ लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने कार वॉशिंग सेंटर में एक हाइड्रोलिक जैक लगा देंगे, जिससे हम गाड़ी ऊपर लिफ्ट करके उसकी अंडर बॉडी वॉशिंग करेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। ये आपकी मेंटेलिटी है। और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब मेरे पास रैम होना बहुत अति आवश्यक है, तभी जाके मेरे पास ग्राहक आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी दुकान का व्यू दिखा देता हूँ। ये मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, तो आप ये देखिए, मेरे वहाँ पर कोई भी रैंप नहीं है, ना ही कोई नाली है, ना ही कोई हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे पास ना ही हाइड्रोलिक जैक है और ना ही मैंने गाड़ियों को रैंप बनाया हुआ है। मैं गाड़ी की वॉशिंग या अंडर बॉडी वॉश अपने इस 22 इंच के जो रॉड होती है, इससे करता हूँ और अपनी गन से करता हूँ। उसमें भी मैंने एक छोटी वाली एक्सटेंशन रॉड जोड़ी है, उससे मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये छोटी वाली एक्सटेंशन रॉड है, इससे मैं नीचे की अंडर बॉडी वॉश करता हूँ और ये काफ़ी कारगर है। इसके अलावा आप लोग इस तरह का 4 नोजल वाला अंडर बॉडी लेंस ले सकते हैं, तो जिससे आपको अंडर बॉडी वॉश करने पर काफ़ी मदद मिलती है। आपको कोई हाइड्रोलिक जैक लगा के या फिर आपको रैंप बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब वो ज़माना चला गया। अब जो भी कस्टमर है आपकी सफाई देखता है, आपकी मेहनत देखता है, आपका जोश देखता है, इस वजह से आपकी दुकान पर वो आता है और आपका इंटरेस्ट देखता है कि आप किस तरह से गाड़ियों की वॉश करते हैं। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि हाइड्रोलिक जैक लगाने से, गाड़ी को लिफ्ट करने से आपके ग्राहक बढ़ेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ग्राहक आपकी सफाई देखता है, गाड़ी की धुलाई देखता है, आपके काम करने के तरीके को देखता है। आपने अपने ग्राहकों को 100% सेटिस्फाई करना है अपनी वॉशिंग से और आपके काम करने की काबिलियत से। उसकी गाड़ी में आपने इरिटेटिंग स्पॉट ढूंढने हैं। इरिटेटिंग स्पॉट यानी जिस वजह से वो आपके पास गाड़ी धुलाने के लिए लाया है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्राहक आया और आपसे उसने कहा भैया अंदर बाहर से वॉश कर दो। हो सकता है उसकी गाड़ी में कहीं पर उल्टी करी गई हो, या उसके रिम बहुत ज़्यादा गंदे हो, या उसका इंजन बहुत ज़्यादा गंदा हो, या अंडर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मट्टी या गंदगी लगी हो। तो आपने उसकी नीश को जानना है, उसकी ज़रूरत को जानना है। उस ज़रूरत को अगर आप बिन बताए अगर आप साफ कर देते हैं, तो ग्राहक आपसे संतुष्ट होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके हाइड्रोलिक जैक को देखकर ग्राहक आएगा, तो आप ये गलती कर रहे हैं कि हाइड्रोलिक जैक अगर आपके काम में सफाई ही नहीं है, अगर आपके को गाड़ी धोने का शौक ही नहीं है, तो आपके पास ग्राहक नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आपने क्या करना है, गाड़ी जैसी आपके पास आती है आपने उसकी धुलाई करनी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ग्राहक को खुश करना है। जब तक ग्राहक सेटिस्फाई नहीं होगा, उसकी निश पूरी नहीं होगी, तो जब तक वो आपका एक पक्का ग्राहक नहीं बन सकता। चाहे आप कितने हाइड्रोलिक जैक लगा लीजिए या कितनी बड़ी बड़ी लिफ्टें लगा लीजिए, आपके पास ग्राहक नहीं आएगा अगर आपका काम अच्छा नहीं है। तो आपने ग्राहकों की गाड़ी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ग्राहक की गाड़ी को आपने बाहर से देखना है पहले अच्छी तरह से, कि उसके सबसे ज़्यादा गंदगी वाला स्पॉट कौन सा है। आपने वो गंदगी साफ करनी है, गाड़ी पूरी तरह से धोनी है। आपने उसकी गाड़ी में ऐसे ऐसे स्क्रैच ढूंढने हैं जो ग्राहक जिसको देख के इरिटेट होता है कि गाड़ी यार हर जगह धुला रहा है लेकिन वो स्क्रैच साफ नहीं हो रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो स्क्रैच भी आप साफ करें, या फिर एलो व्हील। आपके पास गाड़ी आई धुलने के लिए, गाड़ी के एलो व्हील बहुत ज़्यादा गंदे हैं। आपने खाली गाड़ी बाहर से धो दी और पॉलिश करके ग्राहक को दे दी, लेकिन उसकी निश पूरी नहीं हुई। उसकी निश क्या है कि उसको एलो व्हील साफ करने हैं, चमकाने हैं। तो आपने ग्राहक की गाड़ी में ग्राहक से ज़्यादा ध्यान देना है, तभी जाकर आप उसको अपना 100% दे पाएंगे, ग्राहक को सेटिस्फाई कर पाएंगे। हाइड्रोलिक जैक लगाने से आपके ग्राहक नहीं बढ़ेंगे, ग्राहक को खुश करके आपके ग्राहक बढ़ेंगे। किसी भी ग्राहक को नाराज मत कीजिए। अगर ग्राहक आपकी वो आपको काम करते हुए देखता है कि इसका हाथ हर गाड़ी के पार्ट्स में टच हुआ या नहीं हुआ, आपके काम करने की स्किल को वो देखता है, वो पूरी जी जान को देखता है आपकी, कि आप किस स्किल से उसकी गाड़ी को धो रहे हैं। और आपने एक काम और करना है, ग्राहक को उसकी गाड़ी के बारे में जानकारी देनी है। जैसे एक टू व्हीलर आई है रॉयल इनफील्ड, जो तिल्लियों वाली है, जिसके जो टायर हैं तिल्ली वाले जो रिम है, तो आपने उसको तिल्लियों के बारे में बताना है कि भाई साहब आपकी 2 तिल्लियाँ टूटी हैं, या फिर आपकी गाड़ी में ज़्यादा लुब्रिकेंट है, इसमें डीजल वॉश कराइए, या आपकी गाड़ी फलाने मॉडल की है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है। उसको उसकी गाड़ी की तारीफ़ भी करनी है। आपको उसकी गाड़ी के बारे में नॉलेज भी होना ज़रूरी है, और उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं, कौन कौन से हाइडन फीचर हैं, ये भी आपने उसको बताने हैं। उसकी गाड़ी के बारे में उसको जानकारी देनी है, और जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये स्क्रैच है, या यहाँ पर स्टिकर सही जगह पर नहीं लगा हुआ है, या आप जो भी आप चाहते हैं, आपने ग्राहक को पूरे जी जान से हर तरीके से, या उसका कोई स्टिकर पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, आपने वो भी उसको बताना है। हर जगह पर स्क्रैच के बारे में उसको इतनी जानकारी देनी है कि वो कहेगा कि हाँ यार ये बंदा है जो मेरी गाड़ी पर ध्यान देता है और मेरी गाड़ी को ये अच्छे से धोता है, तो वो आपके पास बार बार आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप चाहे बाजार में कितनी फ्लेक्सी लगा लीजिए, कितने अपने बोर्ड लगा लीजिए, चाहे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी अपने दुकान का प्रचार कर लीजिए, सब फेल है। सबसे ज़्यादा प्रचार आपका ग्राहक करता है, सबसे ज़्यादा कस्टमर आपका ग्राहक लेके आता है कि यार वहाँ जाओ कमांडो भाई के पास, बहुत अच्छी गाड़ी धोते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्राहक
आपको आपके ग्राहक ही दिलाएंगे अगर आप उनको संतुष्ट करने में कामयाब हो गए तो। की सर्विस हमारी सर जबरदस्त है, मतलब अभी तक 2 साल हो गए गाड़ी को, कई जगह धुला लिया मैंने, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, तो मुझे अच्छा लगा गाड़ी को। आपका धुलाई देख करके ये शाइन तो बाद में आ रही है, जब आप धुलाई कर रहे थे मैं वही देख कर हैरान था। तो हाय फ्रेंड्स, ये अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं ये पिथौरागढ़ में जैसे आपने फॉर्म वॉर्म लगा के वॉश कर रखा है, मेरे को बहुत पसंद आया था। एक बार मैं देख रहा था सड़क से, तो मैंने कहा मैं अब जब अगली बार धुलाने की बारी आएगी तो मैं यहीं धुलाऊंगा। दिल खुश हो गया था, ऐसी धुलाई हमने देखी नहीं, हम आएंगे बार बार। हमारा आपको हमारी फॉर्म वॉश बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, तो आप रिफर कर सर। अच्छा लगा भाई साहब, सेटिस्फाई हो गया मैं, और आपने जो ये किया अंदर बाहर सब कुछ अच्छा किया, बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब, यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा वॉश किया अंदर बाहर, बढ़िया ढंग से वॉश किया, आई एम टोटली सेटिस्फाई। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। फॉर्म वॉश की अच्छा लगा बहुत, तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं हमारी वॉशिंग से, और आप रिफर कर सकते हैं नेक्स्ट आपके फ्रेंड्स को कि यार यहाँ आइए फॉर्म वॉश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यहीं आते हैं हमेशा से, और जितने भी दोस्त हैं उनको। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे अभी कि जो जिस दिन मैंने गाड़ी ली होगी शोरूम से, जी जी जी, आज और उस दिन का जो फीलिंग है मेरी एक ही जैसी। अरे गुड दादा, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं इनका मेटल हमने बिल्कुल चमक गई है। फ्रेंड्स, ये है कमांडो कार वॉशिंग सेंटर और ये है हमारे पास होंडा सिटी कार। तो सर धुलाई में इतना मजा आ गया कि पैसे बिल्कुल वसूल हो गए। धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा गुड़गांव दिल्ली में। बस बस बहुत बढ़िया, एक्चुअली में पहली गाड़ी मेरी मेरे बेटे की आई थी जी, तो उसी को देखकर मैंने सोचा कि यार एक बार मैं भी देखूँ। बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं हमारी। मैं तो अधिक से अधिक मित्रों से ये कहूँगा कि यार अगर कभी आपको एक टॉप सर्विस चाहिए तो एक बार जरूर कमांडो आपके यहाँ आना। जी जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सर सर्विस बहुत बढ़िया है, और मैं तो सबसे बोलूँगा कि अगर पिथौरागढ़ आओ तो ट्राई करना एक बार कमांडो के अंदर सर, और रेट भी बहुत बेस्ट हैं। खैर रेटों के बारे में मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि ऐसी जो मेहनत इनकी दिख रही है तो उसमें पैसे देने में कोई चकता नहीं। गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया रिव्यू रहा है हमारा, मतलब फुल पैसा वसूल काम है। मैं तो फ्रेंड ने ऐसे रिकमेंड किया था कि यहाँ जाएं करके, तो मैं अभी कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था, मैं बस देखने आया था कि काम कैसा है, लेकिन जब आपका काम देखा मैंने, मेरे को तो ये लगा कि ये बेस्ट एकदम, मतलब पैसा वसूल अपने शहर में, इतना अच्छा काम मैंने आज पहली बार देखा। बहुत बढ़िया कमेंट किया आपने। वॉश हुई है बलेनो कार, तो जानते हैं ऑनर से क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम था, मजा आ गया काम में आपके। जी धन्यवाद, हमको जी 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 सेटिस्फाई हम जी, धन्यवाद। कैसी लगी हमारी सर्विस? बहुत ही बढ़िया। और भैया प्राइस कैसा लगा? प्राइस भी बहुत बढ़िया है। चलो धन्यवाद, एक्सीलेंट, उम्दा प्रदर्शन पाया गया आपका। गुड यार गुड, कैसी लगी आपको हमारी सर्विस? बहुत बढ़िया सर्विस है, इसी तरह से आप सर्विस देते रहे हैं आगे भी। जी जी, मतलब 99 रुपए सर्विस है, पूरा है पैसा वसूल। कीप अप द गुड वर्क भैया, इसी काम पर रखोगे तो आगे भी बढ़ते रहोगे और भी बहुत कस्टमर आएंगे आपके पास। गुड, बहुत बढ़िया कमेंट। गुड यार, और यहाँ पर होंडा सिटी कार की धुलाई चल रही है, और अभी कार में अंडर बॉडी वॉश चल रहा होगा जो गाड़ी के अंदर की सारी गंदगी को निकाल देगा। प्रेशर देखिए जरा, बड़ा दबाओ इसका प्रेशर देखिए जरा। खास बात आपने ये देनी है, प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट गाड़ी पे यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्टों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन सा केमिकल गाड़ी पे लगा रहे हैं, इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। आपके ग्राहक को पता होना चाहिए कि उसकी गाड़ी पे कौन सी ब्रांड की पॉलिश हो रही है, कौन सी ब्रांड की टायर पॉलिश हो रही है, कौन सा फॉर्म शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब जानकारी उसको देनी है और इसके फायदे उसको गिनाने हैं कि भाई साहब और जो कपड़ा आप यूज कर रहे हैं, चाहे पॉलिश के लिए, चाहे धोने के लिए, चाहे सुखाने के लिए, आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और गाड़ी को सुखाने के लिए आप चैन क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप कोई फोर व्हीलर धोते हैं तो ग्राहक को बाहर से जब गाड़ी देखेगा तो उसको बिल्कुल न्यू जैसी फीलिंग आनी चाहिए, तभी वो आपके पास दोबारा आएगा। जब बिल्कुल न्यू वाली फीलिंग, टायर के अंदर जो बम्पर होता है उसके अंदर भी कपड़ा मारिए, अच्छी तरह से पॉलिश कीजिए गाड़ी को, चमका दीजिए बिल्कुल, और अंदर से जब भी ग्राहक अपनी गाड़ी के अंदर बैठे तो उसको न्यू और फ्रेश फीलिंग आनी चाहिए कि यार इतनी पुरानी गाड़ी उन्होंने बिल्कुल नई जैसी बना दी है, तभी वो आपके पास बार बार आएगा। हाइड्रोलिक जैक या लिफ्टर लगा के आपके पास ग्राहक नहीं आते, आपके पास ग्राहक आते हैं तो आपके काम करने की क्षमता को देख के आते हैं, आपके कार्य करने की स्पिरिट को देख के आते हैं, और जो आप उनको उनकी गाड़ी के बारे में बताते हैं या उनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके वजह से आपके पास ग्राहक आते हैं और ग्राहक आपका प्रमोशन करता है। तो लास्ट में जाते जाते आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेस में जान लगा दीजिए, मेहनत मत कीजिए, जुनून लगा दीजिए और अपने ग्राहक को 100% सेटिस्फाई कीजिए, खुश कीजिए, उसको यहाँ से नाराज होकर नहीं भेजना है, उसको खुश होकर भेजना है। तो करते हैं बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ये चैनल और ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ भी परेशानी अगर आपको आ रही है कार वॉशिंग बिजनेस से रिलेटेड, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए रात के 8 बजे, उससे पहले दिन में करेंगे तो दिन में मैं बिजी रहता हूं, मैं ज्यादा फोन उठाता नहीं हूं। अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं क्योंकि मैं हर आधे एक घंटे बाद व्हाट्सएप को चेक करता रहता हूं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।